सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 असिस्ट चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ईगर ये जो हमारा गेम है ऑफलाइन में वर्क करेगा कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल डाटा ऑफ कर देता हूँ, वाईफाई भी ऑफ है, मैं ऑफलाइन हो चुका हूँ। अब हम हमारे गेम को ओपन करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने गेम को ओपन कर लिया है, गेमर सेट हार्ट लिखा हुआ आ चुका है। और हाँ, बेसिकली ये जो है ना, ये एक ऑनलाइन गेम ही है, यहाँ पर आप इरर पढ़ लेना। पर चलो, गेम प्ले तो मैं आपको दिखाऊंगा इसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेट मेरा यूज़ हुआ इस गेम में। तो मैं अपना मोबाइल डेटा ऑन कर लेता हूँ और मैं कंफर्म पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप जो है वो इरर हट गया हमारा। वैसे बात करें इस गेम की ना, तो ये थोड़ा सा, एक मिनट रुकना, ये लॉगिन करना पड़ेगा। हाँ, तो बात करें गेम के साइज़ की, तो ऐसे तो प्ले स्टोर पर इसका साइज़ 500 MB के आसपास है, बट गेम को जब आप ओपन करते हैं ना, तो 4.3 GB का एडिशनली डाटा भी यूज़ होता है। तो हाँ, मतलब एक तरीके से 4.5 GB से ऊपर का गेम है ये। बाकी यहाँ पर जो है ना, ये आप देख सकते हैं हमारा गेम तो अब वो चले गई सही, क्योंकि मोबाइल डेटा ऑन है हमारा इसलिए। तो इस तरीके का गेम है, बेसिकली एक रोल प्लेइंग टाइप का गेम है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। हाँ, जो बहुत अच्छी चीज़ इसकी मैं बता रहा था, वो मैंने जो है ना इस गेम में ट्यूटोरियल कम्प्लीट करा था, तो वहाँ पर मुझे एक मॉन्स्टर था, उससे फ़ाइट करनी थी। तो वो जो फाइटिंग सीन था ना, मतलब आज तक मैंने इतने सारे गेम प्ले करे हैं लिटरली में, बट जिस लेवल का वो फाइटिंग सीन था ना उस वाले गेम, मतलब उस वाले ट्यूटोरियल में, आज तक मैंने किसी में भी नहीं देखा। आप एक बार सर्च करना इस गेम का गेम प्ले, तो वहाँ पर आपको इसका फाइटिंग सीन मिलेगा। मतलब यार इतना मस्त, ऐसा लग रहा था ना कि यार वीडियो चल रही है, क्योंकि उसमें कैमरा एंगल ना अपने आप में ही ड्रैगन के पर्सपेक्टिव से वो हो रहा था रोल। तो इसकी वजह से ना ऐसा लग रहा था कि मैं कोई मूवी देख रहा हूँ। बहुत ही अच्छा था यार, वो सबसे बेस्ट चीज़ लगी मुझे इस गेम की। ऐसे यहाँ पर बात करें गेम में क्या क्या है, तो आपको दिखा देता हूँ। मोर पर मैं क्लिक करूँगा ना, तो बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप एक एक कर पढ़ लेना। मैं सिर्फ सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दिखाऊँगा बैग। तो बैग के अंदर में तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है, पर मैंने बस दिखा दिया। उसके बाद में और क्या है यहाँ पर मोर में, तो हमारे पास में कैरेक्टर का ऑप्शन भी शायद देखने को मिलेगा। तो मेरे पास में जो मेरा कैरेक्टर है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पर जो भी है करेंसी या फिर इक्विपमेंट जो भी इसने पहने वेने, वो सब देखने को मिलेंगे। एंड इसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेटिंग। तो सेटिंग की अगर मैं बात करूँ, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब आप सोच ही सकते हैं यार, इतना बड़ा गेम है। हाँ, पर यह है कि ये गेम इंडिया में अभी नहीं आया है, तो मैंने तो इसको वेबसाइट से डाउनलोड करा था। पर मैं तो प्ले स्टोर की लिंक दूंगा, पर आपको मिल जाएगा, सर्च करोगे ना गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट ये सब है। इसके बाद में यहाँ पर इंटरफेस की अगर बात करूँ, तो ये UI का है, इसको आप कस्टमाइज़ भी कर ही सकते हैं। एंड कंट्रोल्स के ऊपर में ग्राफिक्स है, तो अल्टीमेट पे है, जिसमें बहुत सारी हाई रिफ्रेश रेट भी है, जो कि मेरा ऑफ ऑन है, पर कोई सेंस ही नहीं, क्योंकि मोबाइल तो 60 पे रखा है मैंने। एंड इसके बाद में यहाँ पर और नीचे हमको कंट्रोल्स देखने को मिलेगा, जिसको आप कस्टमाइज़ तो कर ही सकते हैं। एंड ये कैमरा एंगल यार स्मार्ट जो है ना, हाँ यही कैमरा एंगल बहुत, ये फ्री से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है यार स्मार्ट। मैं आपको एक आधी आप इसका गेम प्ले देखना, देना मैं आपको बताना जो चाहता हूँ ना, आप समझ जाएंगे किस लेवल की इसमें जो है फाइटिंग होती है। अभी इसमें कैसे फ़ाइट कर सकते हैं यार, एक आधी किसी से फ़ाइट करना है मुझे इसमें, तो वो कहाँ पर से फ़ाइट करेंगे। अरे यार, अपने को कहीं से फाइट तो करनी है मुझे। अच्छा, चलो गाइड करके थोड़ा सा जाते हैं अपन। टॉक क्विस्ट थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा, है ना यार। ये तो वीपन का बताने लग गया यार, मुझे फाइट का करना है। टॉक, एक मिनट, शायद फाइटिंग ही होगी अब। अरे मुझे दिखाना है यार, बहुत अच्छा था यार फाइटिंग। अभी थोड़ा सा ये हो जाए ना, लोडिंग हो रहा है यार। एक तो ये नीचे टिप्स एंड ट्रिक्स भी आती है, सेंटर में आप साथ क्लिक करेंगे तो उससे बढ़ती है या जो भी है, पर फाइटिंग आनी चाहिए यार। एक मिनट, स्किप करने का ऑप्शन होगा इसमें। यार ये वो जो बड़े बड़े मॉन्स्टर आते हैं ना, उनसे जो फाइटिंग करने का आता है ना यार, वो मेरे को आपको दिखाना है। ये तो क्या है यार, ये तो कोई मतलब ही नहीं है इसको दिखाने का मुझे। ये तो ये छोटे छोटे लोगों में वो कैमरा एंगल नहीं आता है, बट बड़े के पास में कैसे जाएंगे। हाँ, ऐसे इसमें जूम इन जूम आउट का फीचर तो नहीं है। शुरू में आपसे पूछता है कि आपको क्या बोलते हैं पीछे रखना है कैमरा एंगल के आगे, तो ये इसके अंदर में शुरू में बोलता है ये चीज़। एक मिनट, इनको तो ए ए सी
यार वो बड़ा मॉन्स्टर कोई सा आता ना तो मैं आपको बताता। बट चलो कोई नहीं, वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो गई है, पर मैं आपको थोड़ा रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार ज़रूर इसकी वो ट्यूटोरियल वाली फ़ाइट सीन देख लेना। यहाँ पर देखता हूँ नहीं, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ये फिर छोटे छोटे आ रहे हैं तो कोई सेंस नहीं बनता इनको मानने का। बाकी आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए भी थैंक यू।